हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नथिंग फोन 2 के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। साथ ही मार्केट में इसकी काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है, हर कोई नथिंग फोन 2 के बारे में बात कर रहा है। और करे भी क्यों नहीं, क्योंकि जो इसका पहला वेरिएंट था नथिंग फोन 1, वो काफी अच्छा था और काफी एग्रेसिव प्राइस पर लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर आप नथिंग फोन 2 खरीदना चाहते हो तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि आपको स्मार्टफोन खरीदने से पहले ये वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी कमियां देखने को मिलेगी। जैसे कि इसको काफी ओवर प्राइस लॉन्च किया गया है। इस स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 45,000 में देखने को मिल रहा है, जबकि मेरे को लगता है कि ये स्मार्टफोन 35 से 40,000 के बीच ही होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों है, देखो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, तो आपको इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन 45,000 की प्राइस रेंज में भी आपको यहाँ पर फुल एचडी प्लस डिस्प्ले ही देखने को मिल रहा है, जबकि कम से कम 2K डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर दिया गया है। मैं बोलूंगा कि ये वाला प्रोसेसर तो आजकल आपको 35,000 रुपए से कम की प्राइस रेंज वाले स्मार्टफोन में भी देखने को मिलता है, जैसा कि आपको IQ Neo 7 Pro स्मार्टफोन में दिया गया है। और अगर इसका आप हायर वेरियंट खरीदोगे 12GB प्लस 512GB, जो की लगभग 55,000 रुपए में आता है, उस हिसाब से इसका प्रोसेसर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस प्राइस रेंज में तो आपको स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी परफॉर्मेंस है वो इसकी प्राइस को जस्टिफाई नहीं करी है। बात करें थर्ड पॉइंट की, तो वो है इसका कैमरा। देखो फ्रंट कैमरा तो इसमें काफी अच्छा दिया गया है और इसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जो रियर कैमरा है वहां पर आपको ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर आप अपने जेब से 45,000 रुपए खर्च कर रहे हो तो आप ये तो जरूर चाहोगे कि आपके स्मार्टफोन में एक टेलीफोटो लेंस होना ही चाहिए, लेकिन यहां पर आपको ड्यूल कैमरा ही सेटअप दिया गया। हां, जो प्राइमरी सेंसर है उसको थोड़ा इंप्रूव कर दिया गया। इस बार आपको सोनी IMX890 सेंसर दिया गया, जबकि आपको यहां पर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया, लेकिन 45,000 या 50,000 की प्राइस रेंज में भी आपको यहाँ पर टेलीफोटो सेंसर नहीं दिया गया, जबकि आजकल ये आपको 40,000 रुपए की प्राइस रेंज वाले स्मार्टफोन में भी आराम से देखने को मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो वो है चार्जर और चार्जिंग स्पीड। इस स्मार्टफोन में आपको चार्जर स्मार्टफोन के साथ देखने को नहीं मिलता, यानी कि आपको यहाँ पर अलग से 2,000 रुपए खर्च करने होंगे, और साथ ही यहाँ पर आपको मैक्सिमम 45 वोट की चार्जिंग देखने को मिलती है, जबकि इस प्राइस रेंज में आने वाले अन्य स्मार्टफोन में आपको 100 वोट से ज्यादा की चार्जिंग देखने को मिल रही है। बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो वो है मल्टीमीडिया। तो इस स्मार्टफोन में आपको ना ही तो कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है, ना ही आपको यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया ठीक ठाक दिया गया, इतना भी अच्छा इस स्मार्टफोन के साथ देखने को नहीं मिल रहा। और इस स्मार्टफोन में एक चीज अच्छी दी गई है, वो है डिजाइन। इस स्मार्टफोन में आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आपको बैक साइड में ग्लिप डिजाइन दिया गया है। नथिंग फोन जो 1 था उसमें आपको 5 ग्लिप लाइट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस बार आपको 11 दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिजाइन काफी अच्छा दिया गया है। तो मैं अगर अपने फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो डिजाइन को छोड़कर इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इसकी प्राइस को जस्टिफाई कर सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।